ओम शांति। आज तारीख है 30/8/2020। प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 13/3/86। मधुवन। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अचली देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हों। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं?
हैं विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं? साधारण जो दुनिया के लोगों की नज़रों में हैं, वह बाप की नज़रों में नहीं हैं, और जो बाप की नज़रों में हैं, वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं हैं। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह हैं, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को, जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्मल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकीलधे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं, यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नज़र गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं, एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत पड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं, अनजान है ना। उन्हों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। अच्छा, आज करेबियन का टर्न है। हैं तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोतामेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री फ्री हैं, तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है। नज़र में समाये हुए रहते हैं, तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नज़दीक होंगे? तो सब नज़दीक रत्न हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता।
सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है, और जो भी जहां भी माला के मणके बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं, तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्र की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है, तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती है, तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं कल ज़्यादा होने ही हैं यह निश्चित है, इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है, तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट हैं। वेस्ट व्यर्थ खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट अच्छा ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पढ़ाना और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज फैलाना यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रहे ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट नियमित तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं, यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो एक भी यह चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं, इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है, आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो।
ट्रिनिडाड ग्याना में पंडित बहुत हैं, वह फिर भी नज़दीक वाले हो गए। भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है, तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो अभी यह करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर वन है। जो किसी ने नहीं लाया है वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हों, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निःस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है? आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो लेकिन निःस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो। अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि कोटों में कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। अच्छा, वरदान। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। श्लोगन। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।